अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी, और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने और एक सुविधा दी जी, टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी जो मतलब पूरी सबकी मेहनत आया जी। बहुत बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी, इतने साल तो उस खाड़े में आई, तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी, और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं, और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूं आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आऊंगे जी, पूरी वो पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। मुझे मुझे पूरा हाँ विश्वास जी, है आप सफल होने वाले हैं। और आपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, माँ बाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में डटे रहे, ये बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका। हाँ जी, संघर्ष तो जी यार एक सब ने करना पड़ा है जी, किसी न किसी तरीके से करना पड़ा है जी, आप भी तो संघर्ष करो जी, वो भी तो एक संघर्ष ही है। नहीं नहीं हमारा तो क्या है, हम तो देश की सेवा में लगे हैं। आप लोग तो दिन रात, मैं तो आप न रात को सोते हैं न आप दिन सुबह, कितनी ठंड क्यों ना हो, रजाई ओढ़ के सोने का मन कर जाए तो भी आप तो मैदान में जाके मेहनत करते हो, तब जाकर के यहाँ पहुंचते हो। हाँ जी, वहां सब साथियों को क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पुरुषों में तो आप ही हैं जो कुश्ती के मैदान में आगे आए। हाँ जी, मतलब एक ही क्वालिफाई हुआ था जी पुरुषों में, तो बस यही सोच रहा था भाई, हर बार रेसलिंग में मेडल आता तो अब की बात यही जिम्मेवारी है तो मेडल दिलाने की, तो मैंने अपना पूरा 100% दिया जी। नहीं वाकई आपने बहुत बहुत लगन से काम किया, और देश को जो आशा थी उसको भरने के लिए आपने भरपूर काम किया है। आज मैं देशवासियों उम्मीद रेसलिंग वाला तो जी गोल्ड की थी, पर वो नहीं ले पाए, पर 2028 में जरूर ले आऊंगी जी। आप देखिए, आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। आपने देश को बहुत दिया है, और देशवासी हर कोई सीना तान करके अमन का नाम ले रहा है। आपने इतनी सिद्धि और बहुत छोटी आयु में सिद्धि पाई पाई है। इब्बे तो जी कुछ नहीं दिया, इब्बे तो बहुत कुछ देना थी देश तेब्बे तो। नहीं नहीं मुझे पूरा भरोसा है, जिसका ऐसा सपना होता है ना वो देता ही है। हाँ जी, चलिए अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देश का नाम रोशन किया है, और आपका जीवन देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा।